तो धरती हिंदुस्तान की हो। जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, और आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। और मैं जिंदा रहूं ना रहूं मेरे दोस्त, लेकिन जब मैं मरूं तो ये मिट्टी हिंदुस्तान की हो। हे फ्रेंड्स, दिस इज सुनील परदेसी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि आज भी कुछ ट्रैवलिंग ब्लॉग आने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो क्योंकि आज बहुत खुशी का मौका है, तो इस खुशी के मौके पर जब पूरा हिंदुस्तान जश्न मना रहा है आज़ादी का, तो हम भी हाजिर हैं एक बहुत खूबसूरत सी कविता लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करती हैं, धुआं बनकर पर्वतों से जुड़ा करती हैं, ये कैंचियाँ खाक हमें उड़ने से रोकेंगी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। देश की मिट्टी खाई थी हमने, देश की मिट्टी खाई थी मैंने बचपन में कभी, इसलिए मेरे खून में देशभक्ति का जज्बा है। ये वक्त बहुत ही नाजुक है, हम पर हमले दर हमले हैं, दुश्मन का दर्द यही तो है, हम हर हमले पर संभले हैं। बूंद बूंद को तरस रही है हमारी सरजमीं, बूंद बूंद को तरस रही है हमारी सरजमीं, कहने को तो हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। बस ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, रहू लहू देकर भी हिफाजत की जिसकी शहीदों ने, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। मन को खुद ही मगन कर लेना, मन को खुद ही मगन कर लेना, कभी कभी शहीदों को भी नमन कर लेना। और जो देश के लिए शहीद हुए उनको मेरा सलाम है, जो देश के लिए शहीद हुए उनको मेरा सलाम है, और अपने खून से जिसने इस धरती को सींचा उस महादुरों को मेरा सलाम है, और स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कविता? तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट दबा के कर दो, और अच्छी लगी तो लाइक कमेंट कर दो, अगर बुरी लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और कमेंट में भी बता सकते हैं कि कहाँ हमारी गलती रह गई है, तो हम उसे सुधारने की ज़रूर कोशिश करेंगे अगली वीडियो में। और तो वीडियो के आखिर में जाते जाते इस देश के लिए और अपने लिए दो ही लाइनें कहना चाहूँगा कि ना पूछो ज़माने से क्या हमारी कहानी है, कि ना पूछो ज़माने से क्या हमारी कहानी है, और हमारी पहचान तो बस ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं।